अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये चौथा दिन, ईद का चौथा दिन, और हमारा जो है यहाँ पे तीसरा दिन है। और ये वाला एक खेत है, अब हमने इसको कंप्लीट करना है। हमारी टीम में वसीम भाई, मिठू, दानियाल भाई और तैयब जो हैं वो आ चुके हैं। अभी हम बस इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा सारा काम हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 3.5 से 4 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे इसको। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा ख़त्म कर दिया है। सुबह 9:30 बजे हमने शुरू किया था और अभी जो है वो 1:15 का टाइम हो रहा है। हमने ये सारे को कंप्लीट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं सामान उठा कर सारा। ये तैयब है, वो सामने मिठू, तो ये दानियाल साहब रेस्ट कर रहे हैं। चलो दानियाल भी आओ यार। तो अभी हमने आगे जाके और भी मामला करना है, हमारे और भी खेत हैं अभी, उसको अभी सारा कंप्लीट करके तो फिर इंशाल्लाह ताला आज हम इसको थ्रेशर लगा देंगे। ये जी बोरों में गंदम लेके जा रहे हैं और ये देखें जी गंदम, ये फसल है सारी माशाल्लाह। और वो सामने जो है वो थ्रेशर लगा हुआ है। इस तरीके से जो है वो दाना और भूसा अलग किया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं इसका भी। ये देखें बस, ये थ्रेशर लगा हुआ है और ये भूसा है जो साइड पे आ रहा है उड़ के, और दाने जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ये आपको बाकायदा एक पूरी वीडियो दिखाएंगे। ये आसिफ भाई जो हैं वो माशाल्लाह दानों की समेटा समेटी कर रहे हैं और एनर्जी अपनी लगा रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से जो है वो अपना मामला गा रहे हैं। इस तरीके से जो है ना गंदम को, मतलब फसल को काट के ऐसे रखते हैं, धूप लगती है और फिर उसके बाद जो है वो थ्रेशर, जिस तरह वो थ्रेशर लगा हुआ है सामने, इस तरह लगाते हैं। अब हमारा सारा वो मामला पड़ा हुआ है और अभी हम बस उसको भी आज शाम को इंशाल्लाह थ्रेशर लगा देंगे। तैयब ने बकरी का बच्चा उठा लिया। तैयब कह रहा है फ्लाइंग किस नहीं, डायरेक्ट किस करो। पारी दे दे, पारी पारी दे, पारी देस ना, तूने उठाया ना, क्यों इसको तो दिल बना हुआ पीछे। चलो आ जा। अभी हम अपने डेरे पे आ चुके हैं और अभी हम खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमने यहाँ खाना भी खुद ही बनाना होता है और खाना भी खुद ही होता है। ये हमारे पीछे मिठू उस्ताद, मिठू जी प्याज काट रहे हैं। क्यों जी, कैसा प्याज है? मजे का, मजे का प्याज है। आंसू आ रहे हैं, आंसू। तो आगे प्याज बड़ा करवाए। ये हमारा चिकन, ये मिठू साहब, और ये हमारा फ्रिज। ओए देखिए, पता चले काम खराब ही ना हो। ये जी वो वसीम भाई की मेडिसिन है, इंसुलिन, इंसुलिन वगैरह। विस्की है? हाँ विस्की है, आ ही ना जाएगी। ये जी हमारा सिलेंडर तैयार है, खाना बन रहा है इसमें अभी। आज इसमें आप वो प्याज डालेंगे। तो ये हमारे आजी सब दुआ कर रहे हैं। अभी जी हमने खाना बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें आप, ये हमारे खाने आज हमने जो बनाया माशाल्लाह लग तो बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ेदार किस्म का। तो अभी जब हम खाएंगे, टेस्ट तो किया, बहुत मज़ेदार है। अभी खा के हमने फौरन फौरन भागना है, काम बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है। तो दुआ कीजिएगा काम जल्दी जल्दी हो जाए। चलो जी, ये जी अभी हम खाना खाने लगे हैं। सिस्टम देखें, मिठू जी बैठे हैं, चाचा सईद साहब भी हैं, तैयब भी है, दानियाल भाई वाशरूम में हाथ धो रहे हैं, वसीम भाई भी वो दूसरे गेट पे गए हुए हैं, सलमान भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर ये वो भी शुरू करेंगे। तो बाकी ये है कि अभी हमने स्पीड लगानी है, भाई भी आ गए, तो इसके बाद फिर अब हमने खाना खा के भागना है। देखते हैं अभी। जी व्यूअर्स, अभी हमने खाना खा लिया और अब हम जो है ना अपने एक और खेत की तरफ जा रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम हाथों से किया था, क्योंकि उसकी वो पतली थी फसल, बारीक थी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं और हमने सलमान भाई से कहा है कि सलमान भाई जो है ना वो आए और इसको थोड़ा सा दूसरी मशीन है, ये गठियां तो नहीं बांधेगी लेकिन ये है कि ये कटाई ज़रूर कर देगी। तो ये देखें जी, सलमान भाई ने माशाल्लाह शुरू भी कर दिया, बिस्मिल्लाह कर दी है इन्होंने। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से जो है ना ये इसकी कटाई होती जाएगी। अब
अब हमने बस अब इसको ऐसी गठियाँ बनानी है इस तरीके से करके, जैसे ये है ना, हमने इस तरीके से इनकी गठियाँ बनानी है और फिर हमने इसको वाइंड अप करना है इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही करनी है कि आज हम वापस चले जाएं घर की तरफ। ये व्यूअर्स, वो सामने खेत है, वो वहाँ पे हो रहा है काम, और मैं ये तैयार वगैरह को इधर कुआं दिखाने आया था। ये हमारे पुराने दौर का कुआं है, मोबाइल फेंक दो ना, और अल्लाह का नाम ही मोबाइल फेंक दो। तो ये कुआं बिल्कुल भरा ही रहता है, मतलब ये मिन ये तैयब कह रहा है मैंने नहाना है तो मैं जा रहा हूँ घर में नहा लेना, यहाँ चला जाएगा पैर बता दे चले निकले ही ना दूँ। तो ये यहाँ पे पहले बाग होता था जी माल्टो का, और ये सारा यहाँ पर ना ये खेत ऐसी होता था, यहाँ एक अमरूद का दरख्त होता था हमारे। ये रास्ता है, आपको रास्ता भी दिखाते हैं। पट्टे काटे उन और घर चले। ये जी यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, पर हमने ऊपर नहीं जाना, आसमान में नहीं, हमने इधर जाना है। ये भी बताओ, ओए हम जाने का नहीं, इधर आने का, ऊपर पहाड़ी पे जाने का, ऊपर नहीं इधर। बकरी है बिल्कुल। ये जी अभी वकार भाई कुछ ला रहे हैं, गर्मा गर्म लगता है चाय लेके आ रहे हैं। और तैयब से मैंने पानी मंगवाया था, और ये गांव की मोहब्बतें और ये प्यार सदा सलामत रखे। पहले ही हमारे धुएं निकल रहे हैं, ठंडी चीज लानी थी गरम ले आए। वाह जी वाह, चले थकावट खत्म हो जाएगी। वाह, मिठाई भी आ चुकी है माशाल्लाह, वो इखलाक भी आए हैं वसीम भाई की जो वाइफ हैं, ये उनके भाई हैं। तो ये बर्स अभी ट्राली में हमने लोड किया सारा, और ये सारी फसल आ चुकी है हमारी, ये देखें आप। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारा एक मामला था, ये बड़ा मुश्किल मामला था, अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया। बस अब थोड़ा बहुत रह गया, उसको भी हम जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। तो ये सारा उतर गया, बाकी अब इंशाल्लाह ताला कल इसको थ्रेशर करवाएंगे, और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सुल्ला हो जाएगा मामला। तो बस अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रात को भी हम ये काम कर रहे हैं, तो बस अब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।